हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा परफेक्ट एकेडमी के परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कैलकुलेशन के निचोड़ के लिए एक ऐसा लॉजिक आपके लिए लेकर के आया हूं जिससे आप कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, कैलकुलेशन तो आपको आती है, और कैलकुलेशन को से बचने के लिए, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम बात करेंगे आज डिजिटल सम की। ऐसे ही बारी बारी से मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा। इसमें हम बेसिक जानेंगे डिजिटल सम होता क्या है, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में लग सकता है। जैसे सीआई के क्वेश्चंस में डिजिटल सम हम लगा सकते हैं, एवरेज के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, यानी कि जितने भी आपके कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं सभी में हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली स्लाइड पे मैंने थोड़ा लिख रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड आल्सो कॉल्ड द नाइन्थ रिमाइंडर मेथड, यानी कि नौ से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1322, तो इसको अगर मुझे डिजिटल सम आपको बताना है तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा, 1 + 3 + 0 + 2 + 2। अब 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं इस सबको जोड़ रहा होता तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। अब जैसे आगे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर और है, जैसे 5, 2, 6 और 4 को मैंने जोड़ा, एक नंबर है इसका आपसे डिजिटल सम पूछा है, तो मेरा 17 आ गया। लेकिन डिजिटल सम जो होता है हमेशा एक डिजिट में होता है, यानी कि आपको 1 से लेकर के 8 तक की संख्याओं में लिखना है, और 9 से पूरा कर जाता है तो 9 से रिमाइंडर वहां पे कुछ भी बचेगा नहीं। तो इन सबको मैं जोड़ रहा हूं, मेरा बनना है कितना, 17, और 17 को मैंने लिख दिया है 1 + 7 = 8, यानी कि इस पूरे लॉजिक का जो डिजिटल सम है वो कितना है आपका, 8 हो जाएगा। इसी चीज को मैं आगे यहाँ पे मैंने लिख करके समझा रखा है, जैसे आगे समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिंग अक्रॉस अ नंबर वी मे ड्रॉप आउट 9, 9 डज नॉट काउंट ऑन डिजिटल सम। हम 9 को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, डिजिटल सम में क्या होता है, जहां भी आपका 9 बन जाता है वहीं पर उसको स्किप कर देते हैं। अब जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 9901, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब जैसे 9 है, 9 को मैंने स्किप कर दिया, ये वाला 9 है इसको भी स्किप कर दिया, मेरे पास में क्या बचा, 0 और 1 बचा, तो 0 को और 1 को मैंने जोड़ा तो मेरे पास में क्या बना, 1, यानी कि संख्या का जो डिजिटल सम है वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ज्यादा इसमें समझ में आने वाला है कि ये क्या चीज है। अब जैसे इसका आपको बताना है कि डिजिटल सम क्या है, अब मैंने कहा 9 को हम ड्रॉप करेंगे तो 9 को मैंने इसमें काट दिया। अब यहाँ पे आपका दे रखा है 7 और 2, ये हो गया 7 और 2 9, अब यहाँ पे तो कुछ भी बचा नहीं, यानी कि अगर मैं 279 में 9 का भाग दे रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर 0 बचेगा, वैसे ही मेरा यहाँ पे डिजिटल सम भी क्या होगा, 0 होगा। मैं 279 को अगर यहाँ पे 9 काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया, यानी कि जहां भी आपका 9 बन जाएगा वहां पे आप इसको काट रहे होंगे। जैसे आगे लिखा हुआ है कि 4 decimal वी वर्क एग्जैक्टली द सेम वे, यानी कि डिजिटल सम का एक बात मैं आपको बता दूं कि ना तो पॉइंट वाले क्वेश्चंस में कोई इफेक्ट पड़ता है, ना परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में कोई इफेक्ट पड़ता है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हम चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे डिजिटल सम लगा करके, बशर्ते उसके ऑप्शन जो है उनका डिजिटल सम बिल्कुल अलग अलग आना चाहिए, तभी हम इस तरीके को लगा सकते हैं। अब देखिए जानते हैं इसके बारे में। अब जैसे आगे आपका दे रखा है यहाँ पे 6.256, अब मुझे इसको एड करना है तो मैंने इसको सबको जोड़ा, 6, 2, 5 और 6, ये हो गया 19 और 1, क्योंकि मैं सिंगल डिजिट में इसको लिखूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा 1 + 9, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 10, 10 को मैं क्या कितना लिखता हूँ आपका, 1 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन इन ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए अब क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे एड का डेसिमल का पहला ही क्वेश्चन है, अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे 1.5, 32.5, 23.9 बराबर है आपका 57.9, तो इधर का डिजिटल सम जोड़ के, यानी कि LHS का डिजिटल सम जोड़ करके मुझे RHS का डिजिटल सम, दोनों मुझे बराबर आने चाहिए, तो ही मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड इस पे उठा लिया तो 1 और 5 पॉइंट में है, इसको जोड़ लिया, फिर 3, 2, 5 को जोड़ लिया, फिर आपका 2 और 3 को जोड़ लिया, तो इसको टोटल को मैंने जोड़ा तो मेरा आया 21 और 21 को मैं लिख दूंगा कितना, 2 + 1 यानी कि 3 लिख दूंगा। अब वैसे ही मैंने राइट हैंड साइड को उठा लिया, राइट हैंड साइड मेरा है 57.9, तो इसको मैंने अलग अलग करके जोड़ लिया 5, 7 और 9 करके। अब 5, 7, 9 तो मेरा कट जाएगा, तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, अब 12 को भी मैं कितना लिख दूंगा, 1 और 2 3 लिख दूंगा, यानी कि अब आपको पता लग गया होगा कि LHS बराबर क्या आ गया मेरा, RHS आ गया। यही डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है कि दोनों पक्षों का जो LHS है वो RHS के बराबर आना चाहिए, यानी कि ये वाला पक्ष भी और ये वाला पक्ष भी, अगर इसका डिजिटल सम 3 है तो इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा, 3 ही आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन से आपको जानते हैं,
अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है 23 और 48, अब मैंने इसको जोड़ा 23 को और 48 को और बराबर में मेरा कितना आना है, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन में लिख देता हूं 71, 72, 73 और आपका 74, ये मैंने लिख दिए, तो कैसे हम जाने कि कौन सा ऑप्शन है जल्दी से जल्दी। अब मैंने कहा 3 और 2 हो गया है पे 5, 8 और 4 हो गया आपका 12 और 12 को मैं लिख दूंगा 3, तो 5 और 3 8, यानी कि जिस ऑप्शन का मेरा डिजिटल सम कितना बनेगा 8 बनेगा, वो मेरा आंसर होगा। जैसे मेरा इसका 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है मेरा 8 बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, 7 और 3 10 बन रहा है, 10 को मैं 1 लिख दूंगा, 7 4 11 को मैं 2 लिख दूंगा, तो मेरा डिजिटल सम किस ऑप्शन का 8 बन रहा है, आप कहेंगे 71 का, वो यहाँ पे दे भी रखा था इसलिए मैंने ऑप्शन अपने पास से भी यहाँ पे ऐड कर दिए। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से कि डिजिटल सम क्या है। देखिए तीसरा एग्जांपल है आपका, अब तीसरे एग्जांपल में मान लीजिए इसका जो डिजिटल सम है वो आपका इसी के बराबर आपका बैठ रहा होगा। अब जैसे मैंने इसको जोड़ा हुआ है 3 2 1, ठीक है, फिर इसको 4 6 7 को जोड़ा हुआ है, फिर 2 3 1 1 को जोड़ा हुआ है, और फिर इसका जो मैंने जोड़ के देखा तो मेरा कितना है डिजिटल सम 3 आया, तो फिर मैंने इसको भी जोड़ लिया। देखिए 9 से 9 काट देंगे, अब यहाँ पे कितना बचा आपका 3 और 0 बचा, और 3 और 0 को मैं क्या लिख दूंगा 3 ही लिख दूंगा, यानी कि मेरा इधर का भी डिजिटल सम जो है वो 3 है और इधर का भी जो डिजिटल सम है आपका कितना है 3 है। तो एड के क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। आगे आपके लिए क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब बड़े से बड़ा एड है हम इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें करना किससे है, हमें करना है डिजिटल सम से। अब इसको एक बार गौर से समझेंगे, इसमें मैंने ऑप्शन भी ले रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे समझिए, मैंने बताया डिजिटल सम क्या है, जहां पे आपका 9 बन जाएगा वहां पे कट कर देंगे, 9 से छोटी वैल्यू को हम ले रहे होते हैं। जैसे इसको अगर मैं करता हूं तो इसको मैं 9 काट दूंगा, 7 और 1 मेरा कितना बचेगा 8 बचेगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 6 और 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 को मैं कितना लिख दूंगा 4 प्लस 1, यानी कि 5 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरा 5 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 और 7 14 और 6 20, 20 को मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पे आपका 7 और 1 8, 8 5 13, 13 को मैं कितना लिख दूंगा 1 प्लस 3, यानी कि मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 6 14 को मैं 5 लिख रहा हूँ, फिर आगे लिखा हुआ एक बड़ी संख्या 8 और 2 10 और 5 15 को मैं 6 लिख रहा हूँ, फिर 6 और 5 11 को मैं 2 लिख रहा हूँ। अब जहां भी मेरा 9 बन जाएगा वहां पे मैं इसको काट दूंगा, जैसे आप देखेंगे 5 और 4 मेरा 9 ये कट गया। अब आगे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 है 9 का मल्टीपल है तो इसको भी हम काट देंगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी कि इसका जो है 10 बना, 10 का मतलब है 1 इसका डिजिटल सम है। अब आप ऑप्शनों को चेक करेंगे कि ऑप्शन में किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 1 है, आप इसको चेक करेंगे 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 इसका मतलब है कि इसका डिजिटल सम कितना है 2 है। आगे आप देखेंगे 7 और 5 12, 12 और 5 आपका हो जाएगा 17, 17 और 6 23, 23 को मैं लिख दूंगा 5, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है ऑप्शन का 5 है। तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे 4 और 4 8 और 6 और 5 11, 11 और 8 आपका होता है 19, 19 को यानी कि 9 और 1 10 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब क्या, इसका डिजिटल सम 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एड वाले क्वेश्चंस में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल सम निकाल सकते हैं और ऑप्शन को जल्दी से जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरीके के एड वाले नहीं आएंगे, परसेंटेज लगा करके देगा, पॉइंट लगा करके देगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन को हम एग्जाम में डिजिटल सम से जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझना है कि डिजिटल सम है क्या, बेसिक, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसमें डिजिटल सम लगाना है, तो मैं कह सकता हूं कि जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 को तो मैं काट ही दूंगा, 8 और 1 9, ये भी कट गया, यानी कि यहां से मुझे जो मिला वो 0 मिला। इसको मैं करूंगा 2 और 3 5, इसको मैं करूंगा 7 और 4 11 का मतलब क्या है 2, इसको मैं करूंगा 9 कट जाएगा, 8 7 15 का मतलब कितना है 6, इसको मैं करूंगा 7 और 2 9 कट जाएगा, यानी कि मेरा कितना बचा है यहाँ पे 3 बचा, इसको मैं करूंगा 8 और 5 13, 13 का मतलब क्या है 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर कर रहा हूं तो 8 और 1 9 मेरा कट जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। अब मेरा जोड़ने पर जहां 9 बन जाएगा उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, जैसे मैंने 5 और 4 9 इसको काट दिया, 6 और 3 9 इसको काट दिया, तो मेरे पास में डिजिटल जो सम है वो कितना बचा 2 और 1 3, मुझे यहाँ पे डिजिटल सम बचा, यानी कि मेरा वही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिस ऑप्शन में डिजिटल सम आपका 3 आ रहा हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया 6 और 3 9, तो मेरा यहाँ पे 3 और 0 कितना बचा 3 डिजिटल सम आया, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या है, यही ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है।
10 सेकंड में हम इस तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आगे आपका लिखा हुआ है, इसका करके देख लो, 6 4 10 10 3 13 और 3 16, इसका बनेगा 7। ठीक है, अगर 16 बन रहा है तो 16 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 + 6 कितना लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा। अब आप इसको जोड़ेंगे, 6 और 2 8 4 12 12 और 2 14, 14 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 और 4 आपका 5 लिख रहा हूं। यहाँ पे 8 और 2 10 10 3 13 13 और 3 16 को मैं क्या लिख दूंगा, 6 और 1 7 लिख रहा हूँ। यानी कि आपको संख्या को 9 से छोटा ही रखना है और जहां 9 बन जाएगा उसको खत्म कर देना है। तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसका डिजिटल सम मेरा कितना बन रहा था, 3 मेरा डिजिटल सम बन रहा था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो एड वाले क्वेश्चनों में तो आप ऐसे कर लेंगे, आगे चलते हैं कि माइनस वाले क्वेश्चनों में क्या करें। अब जैसे सबस्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में आगे हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 140 - 80 लिखा हुआ है, इसको अलग से एक बार यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे हमारा लिखा हुआ है 140 - 80 = 60। अब मुझे इसका करना है, जैसे मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे 4 और 1 5, इधर मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कितना, 8। ठीक है, बराबर में मेरा कितना इधर 6 है। अब दोनों का डिजिटल सम जो है वो मेरा बराबर आना चाहिए। अब बराबर कैसे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 और 4 को मैंने जोड़ा हुआ है, तो 1 और 4 कितना होता है आपका, 5 होता है। अब मैंने इसको जोड़ा हुआ है, 5 में से 8 गया तो मेरा कितना बच रहा है यहाँ पे, 3 बच रहा है। अब बराबर में मेरा कितना आ रहा है, 6 0 आ रहा है। तो मैंने इसको लिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को कितना 6 आ रखा है। अब -3 की जगह पे अगर मैं इसको 15 कर लेता, या मैं यहाँ पे कहूं कि यहाँ पे मेरा 6 आ गया। ठीक है, अगर 9 में से इसको 3 को मैं घटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 मेरा आंसर इसमें आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर संख्या माइनस में आ रही है तो उसको हम क्या काम करेंगे, 9 में से माइनस कर देंगे। ये आपका डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा था -3 का मतलब क्या है, आप इसको कितने में से घटा रहे होंगे, 9 में से आप इसको माइनस कर रहे होंगे। मैंने लिख भी रखा है, व्हेन डिजिट सम इज नेगेटिव एड 9 इन इट्स देयर। ठीक है, यानी कि जब डिजिट आपकी क्या है, नेगेटिव है, तो उसमें से क्या काम हम कर रहे होंगे, उसमें 9 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 जोड़ देंगे। अब जैसे 9 -3 था, तो इसमें मैंने 9 जोड़ा तो मेरा कितना मिला, 6 मिला, और दूसरे पक्ष का मुझे मिल ही कितना रहा था, ऑलरेडी 6 मिल रहा था, तो ये आपका सब्स्ट्रैक्शन में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब आपका मल्टीप्लीकेशन में है। बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 15 × 13 और बराबर है हमारा 195, तो आप इसको चेक करेंगे एक बार, यहाँ पे है 3 और 1 4, इनको मैंने जोड़ा, 5 और 1 6। ठीक है, अब 6 चौक 24 अगर मैं कर रहा हूं, तो 24 को मैं लिखूंगा यहाँ पे 6। ठीक है, क्योंकि मैं 24 नहीं लिख सकता, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। अब वैसे ही मैं इसको करूंगा, 9 तो मेरा कट गया, तो 5 और 1 कितना है मेरा, 6 है। यानी कि दोनों का जो मेरा डिजिटल सम है वो कितना है, 6 है। लेफ्ट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना है, 6 है, और राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम कितना है, 6 है। यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि इन इट्स यूनिट डिजिट मेक इट टू 10 × 2 एंड फर्दर डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर किसी संख्या के अपॉन में 2 आ रखा है, तो उसको भी क्या काम करते हैं हम, 10 बना लेते हैं। यानी कि जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 34 / 5 आपका 5 लिख रखा है, तो आप इसकी इसको कैसे इसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो आप इसको 2 बना लेंगे, यानी कि इसमें 2 की गुणा कर देंगे, इसमें भी 2 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे का डिजिटल सम 1 हो जाएगा और ऊपर का कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 7 और 7 × 2 = 14, मतलब 5 आपका डिजिटल सम हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आ रहा होगा उसका भी जो डिजिटल सम है वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे मल्टीप्लाइंग में कैसे करें। जैसे एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 2 1 मल्टीप्लाई में 1 3 2 और बराबर में आपका दे रखा है 4 2 3 7 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब समझिए इसको आराम से। जैसे मैं कहूं डिजिटल सम क्या है, मैंने कहा इन सबको जोड़िए, 2 और 1 3 और 3 6 गुणा 3 2 5 और 1 6, 6 × 36 36 का मतलब 9। ठीक है, यानी कि इसके पास में जो डिजिटल सम है वो कुछ भी नहीं है, 9 आता है तो हम काट ही देते हैं, आपको पता है। अब जैसे सेम ये होगा, 4 और 2 6 6 और 3 9 मैंने काट दिया। ठीक है, 7 और 2 9 तो ये भी काट दिया, तो ये 9 है, इसको भी मैं काट दूंगा, यानी कि इधर भी डिजिटल सम कितना है, 0 है, और इधर भी कितना है, 0 है। डिजिटल सम जो बोलते हैं, 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसी को डिजिटल सम बोलते हैं। अब 9 का भाग अगर मैं 9 में दूंगा तो 0 बचेगा, तो मेरा दोनों तरफ का LHS और RHS कितना आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है।
यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में इसको करके देखेंगे, ये एक ऑप्शन भी मैंने दिए हुए हैं। अब जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिना मल्टीप्लाई करे हम बता सकते हैं, आइए जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि जहां मेरा 9 बन जाएगा वहां मैं इसको काट दूंगा। 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि मेरा बचा 8 और गुणा 1 और 1 2, ये हो जाएगा 16, और 16 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 7, 6 और 1 7। डिजिट्स को कभी भी डबल डिजिट आपको नहीं लिखना है, आपको उसको क्या कर देना है, सिंगल बना देना है। जैसे मेरा यहाँ पे आया 16, तो इसको मैंने लिख दिया 6 और 1 7। अब ऑप्शन में चेक करिए कि किस ऑप्शन का मेरा डिजिटल सम 7 आ रखा है। तो आप देखिए जहां भी मेरा 9 बन जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9 मेरा कट गया, तो मैंने कहा 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 3 आपका होता है 15, तो 15 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5 और 1 6। अगले ऑप्शन में चेक करते हैं, 5 और 4 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, तो मेरा यहाँ पे बता 7 5 12 3 15 और 1 16, 16 के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 और 1 7। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं तो मेरे पास में यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब आप जो है अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे ये दे रखा है इसका भी चेक कर लेते हैं अभी हम, 5 और 4 9, आगे दे रखा है आपका कितना 3 और 3 6 और 3 9, 7 5 12 और 1 13, 13 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 और 3 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 7 चाहिए। आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन हम बेसिकली बस चेक कर रहे हैं कि कौन सा सही है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 और 5 9, 4 और 5 9, 6 और 3 9, 7 और 1 8, तो इसका डिजिटल सम कितना है आपका, 8 इसका डिजिटल सम है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जो आया है वो कितना आया है, 7 आया है, और वो मुझे बी ऑप्शन से मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए डिवीजन वाले में क्या करते हैं, डिवीजन वाले का रूल जो होता है डिजिटल सम के लिए, द रूल ऑफ डिजिटल सम फेल्स इन सम केसेस व्हेन द डिनोमिनेटर हैज 3, 6 एंड 9, जब डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तब आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, फर्स्ट अगर आपको डिजिटल सम लगाना है तो फर्स्ट क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे द डिनोमिनेटर को। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे मैं आपको यही बात जो है डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने कहा एक टेबल आप बना लीजिए, अगर आपको एक ऐसा नंबर दे रखा है, जैसे ये वाला नंबर आपको दे रखा है 344/8, तो आप इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे इसमें डिजिटल सम लगाएं। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम को समझने के लिए इसको कैसे करें, तो आप इसमें 8 है तो 8 को मुझे 10 बनाना है, तो मैं 8 में कितने की गुणा कर सकता हूं कि ये कितना बन जाए, 10 बन जाए, तो आप कहेंगे 8 में आप 8 की गुणा कर लीजिए, तो 8 2 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 और 64 को मैं कितना लिखता हूँ, 6 और 4 10, यानी कि 1 मेरा बन जाएगा, तो ऊपर भी मैं इसमें 8 की गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर भी 8 की गुणा कर रहा हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पे कहा 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 के लिए 2, और 2 गुणा 8 मेरा कितना बन जाएगा, 16, 16 के लिए मैं कहूंगा 7, यानी कि इससे मुझे जो डिजिटल सम मिला है वो कितना मिला है, 7 मिला है। तो किस ऑप्शन से मेरा 7 बन रहा है, 3 और 3 6, 7 4 11 का मतलब है 2, 5 3 8, 4 और 3 7, तो इस ऑप्शन से मेरा क्या मिलेगा, डिजिटल सम मेरा 7 मिलेगा, 4 और 3 7, यानी कि अगर मैं 344 को 8 से भाग दे रहा हूं तो मेरा कितना आएगा, 43 आंसर आएगा, ठीक है। और यही बात मैंने कहा कि जैसे ये पीछे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है तो आप गुणा करेंगे ऊपर नीचे 8 से। अब मान लीजिए किसी संख्या को मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूं 444 को आपसे 2 से भाग देना है, अब 2 से भाग देना है, अगर डिवाइड 2 से कर रहे हैं तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पे कि आप 5 की गुणा कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो 5 की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 10, तो नीचे का मेरा खत्म हो गया, नीचे अगर 1 हो जाता है तो हम आगे उसको चेक नहीं करते। तो मेरे पास में इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 4 8 4 12, 12 को मैं 3 लिख दूंगा, 3 गुणा 5, 3 5 15 का मतलब है 6, यानी कि इसका डिजिटल सम जो आएगा वो मेरा 6 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होते जैसे मैं कहूँ 444 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है भाग करने पर, 2 दुनी 4 2 दुनी 4 2 दुनी 4, यानी कि इसका जो डिजिटल सम है वो कितना आएगा, 2 2 4 और 2 6 ही आएगा, यानी कि आंसर का डिजिटल सम भी मेरा कितना आएगा, 6 ही आ रहा होता। मान लीजिए कोई और नंबर, मान लीजिए मैं 4 से किसी संख्या को भाग देता हूं, जैसे मैं कह देता हूं 444/4, अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो नीचे वाली संख्या को मुझे 1 बनाना है तो मैं इसमें 7 की गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। यही वाली बात मैंने 2 की भी बता दी और 7 की भी बता दी, ठीक है। तो 7 की अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो 7 चौक 28 हो जाता है, और 28 को हम लिखते हैं 2 जमा 8, यानी कि 1 प्लस 0 1 हो गया। तो ऊपर आप यहाँ पे 444 की गुणा करेंगे 7 में
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चार और चार आठ, चार बारह, बारह को मैं तीन लिख दूंगा, तीन गुणा सात का मतलब है इक्कीस, दो प्लस एक का मतलब क्या आ जाएगा तीन, यानी कि जो भी इसका नंबर आएगा उसका जो डिजिटल सम है वो तीन हो रहा होगा। अब आप 444 को भाग दे लीजिए कितने से, चार से, तो एक 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 बचेगा। अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका डिजिटल सम कितना मिलेगा, तीन मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने डिजिटल सम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में, इन क्वेश्चनों का जवाब दें इसका आंसर क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए कमेंट में है, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, जो एग्जाम में लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है एमटीएस में हो, सीएचएसएल में हो, चाहे वो यूपी पुलिस में हो, उनके ऊपर और मैं इसके डिजिटल सम की दो तीन वीडियो लेकर के 10-10 मिनट की ऐसे ही वीडियो आएंगी और उसमें हम बात करेंगे कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिजिटल सम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 सेकंड में। थैंक यू।